हाय फ्रेंड्स, बहुत ठंड है पर मैं निकली हूँ यार। पता है मेरा वेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि विंटर हो गया, कहीं बाहर निकलना होता ही नहीं। वैसे भी कोरोना है तो सभी लोग ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि हम बाहर ना निकले। पर यार मैं ये भी नहीं होते देख सकती अपना वज़न बढ़ते हुए, मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा आज वॉक के लिए निकलती हूँ। तो सुबह के मॉर्निंग के अराउंड 8 o'clock हो रहे हैं, 8:15, तो मैं निकली हूँ और वेदर तो आप देख ही रहे हो। एक्चुअली एक वजह यह भी थी कि यहाँ पर इतने दिनों से बारिश ही बारिश हो रही थी और कुछ हो ही नहीं रहा था, तो बारिश में कोई कैसे निकले। ठंड में तो फिर भी एक टाइम के लिए चलो पैक होके हिम्मत करके निकल जाओ, लेकिन बारिश में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर थोड़ा सा यार देखो, थोड़ा सा वेदर आज बेटर तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि बारिश नहीं है, बस मैं निकल गई ये सोच के कि चलो भाई वजन तो बढ़ने नहीं देना मैंने अपना किसी भी हाल में। बहुत मुश्किल से इस समर में मैंने 10 kg कम करा था। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, इधर आ जा। ये मैंने गिम्बल लिया यार, तब से तो मैं परेशानी हो गई हूँ, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल ही काम है मेरे लिए। अभी सेटिंग करती हूँ फिर करते हैं। हाँ भाई इसको क्या हो गया, समर में मैंने कम से कम 10-11 kg कम करा था। ओके, और विंटर में फिर बढ़ता जा रहा है क्योंकि बिल्कुल वॉक नहीं हो रही है। लेकिन मेरा फिर वापस से 5 kg ऑलमोस्ट बढ़ गया। मैं वजन नहीं बताऊंगी मेरा कितना था, पर वॉक के लिए जा रही हूँ। चलो मैं आपको अपना वॉक का एरिया दिखाती हूँ पूरा का पूरा, जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ। समर में तो ऑसम दिखता है वो, एक्चुअली में चलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा पूरा वॉक का एरिया। मैंने ना ये नया नया गिम्बल खरीदा है और ये इधर उधर घूमता रहता है, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है ये, तो सॉरी। हाँ थोड़े इधर उधर की भी लोकेशन दिख जाएगी जो स्ट्रेट में दिखाना चाहती हूँ, वैसे नहीं जा रहा है। हाँ अभी ठीक है, तो देख रहे पेड़ पेड़ पेड़ों को देखो आप, बेचारे ठंड में अकेले खड़े हुए हैं। ये क्लीनिंग के लिए लोग भैया विंटर में भी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि सफाई तो मस्ट है, पेड़ों को काटना छाटना। क्या मौसम है, ये लेक है, ये चर्च के घंटे बोल रहे हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ मंदिर के घंटे होते हैं, यहाँ पर भी मतलब 24 घंटे में कम से कम 7-8 बारी बजाते हैं ये लोग अपने इस चर्च के बेल को। तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखने का होता है जहाँ तक मुझे लगता है, हर जगह यही मोटिव होता है। आप लोगों को भी शायद सुनाई दे रहा होगा, यहीं से आपको दिखाती हूँ। ये श्वेतसन बाग लेक का पानी है जो बहता हुआ यहाँ से जा रहा है, देखिए इतना क्लीन वाटर होता है इसका। आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ, देखिए इतने विंटर में भी लोग जॉगिंग करने निकलते हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है, खैर आजकल तो इंडिया में भी सब ध्यान रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समर में मैं 10,000-12,000 तक अपने स्टेप्स करती थी,
आज तो लग रहा है 5000 ही हो जाए। फर्स्ट डे है आफ्टर लॉट्स ऑफ डेज, बहुत दिनों के बाद यार। मैं आपको दिखाती हूँ, जब समर होता है ना तो यहाँ पूरी पूरी की पूरी ग्रीनरी होती है, राइट? तो क्या यहाँ पर ना देखो, ये मतलब ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये इस तरह से चेयर लगाई गई हैं कि समर में आके लोग बैठे। यहाँ पर मैं तो नहीं आती, मुझे तब भी थोड़ा डर लगता है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग आके बैठते हैं। इतनी ठंड है कि आप बिना ग्लव्स के 2 सेकंड भी हाथ बाहर नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से -1 टेम्परेचर है। बता, मेरी छोटी बेटी स्कूल भी गई है, मेरा बेटा भी गया है। उफ, यहाँ पे स्कूल ऑलवेज खुले रहते हैं। टेम्परेचर सही में -1 है, देखा आपने, मैंने स्क्रीन पे शेयर भी करा है, और सही में बहुत ठंड है। तो मैं इधर से ले लूंगी अपना रास्ता। ये इनका चर्च और ये है इनका ग्रेवी यार्ड। देखिए ये रहा ग्रेवी यार्ड, देख रहे हैं। और आपको एक और चीज दिखाती हूँ, इसके ठीक सामने देखिए, ये बच्चों का स्कूल है। आपने सामने यहाँ पे इन सब चीजों का इतना बुरा नहीं माना जाता, जिससे हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं वहाँ पर स्कूल वगैरह तो सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग, पर यहीं पर ठीक सामने देखिए स्कूल है। देखिए टीचर बच्चों को वहाँ सामने पढ़ा रहा है। उधर देखिए, और ये बच्चे जा रहे हैं, ये सामने बच्चे जा रहे हैं देखिए। और सर मेरा बेटा भी इधर ही पढ़ता है, ये रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें वो जाता है, तो वो एकदम पास में है। सोचिए ये चर्च है, चर्च को मैं आपको क्लोजली पास से दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है मुझे। मेरे घर के पास ये चर्च बहुत सुंदर है, दिखाती हूँ आपको अभी। ये सेकेंडरी स्कूल है एक्चुअली में, ये पूरा का पूरा देखिए पूरा सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे शूले बोला जाता है, जर्मन चलती है स्विट्जरलैंड के अंदर, एक्चुअली डॉयच बोलते हैं। ये चर्च है, स्विट्जरलैंड के चर्च होते हैं उसी तरह से, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखे होंगे। ये देखिए, दिख रही है? टिपिकल स्विट्जरलैंड चर्च जिस तरह से दिखते हैं आपको उसी तरह से है ये, ब्यूटीफुल। ये इनका प्रेयर का है अंदर से, उस तरह से भी रास्ता है।
ये बेचारे पेड़ है जो इतने ठंड में अकेले हैं। इन पेड़ों को देख के कितना मतलब, लेकिन आप एक चीज देखो यार, ये पेड़ भी इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। लुक देखिए, देख रहे कितने सुंदर लगते हैं पेड़ भी। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छे मतलब खूबसूरत। और जब इस पे पत्ते आ जाते हैं ना तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ज्यादा लाइन से खड़े हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये बिल्कुल, मतलब पढ़ाई यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल तक। यूनिवर्सिटी में जाना बहुत मुश्किल काम है, उसका वीडियो भी बना सकती हूँ पर बहुत लंबा आ जाएगा। आगे भी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है, वो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है आपको, उस तरफ तक तो मैं जाऊंगी। तो चर्च मैंने दिखाया था ना, उसका एंट्रेंस यहाँ से है, ये वो चर्च है मेन, आपको दिख रहा होगा पीछे वो बेल वाला एरिया और ये चर्च। आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ, ये ट्री जो है ना, ये ट्री देख रहे हो आप, ये एप्पल का ट्री है, लेकिन इस वक्त तो खैर एप्पल क्या एक पत्ता भी नहीं है, तो ये एप्पल का ट्री है। जब समर होता है तो उस पर पूरा एप्पल ही एप्पल भरा होता है, तो जब समर आएगा तो बहुत कुछ होगा दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये स्कूल के बच्चे हैं, जा रहे हैं एक्टिविटीज के लिए, ले लेके जाते हैं बच्चों को एक्चुअली। चाहे कितनी भी ठंड हो, आज तो -1 है, अगर -10 भी हो तो भी बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं। ये प्राइमरी स्कूल है, कितना अच्छा बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज हैं अंदर इसके। इंतजाम करके रखती है बच्चों के स्कूल के लिए, मतलब सारी फैसिलिटीज अंदर होती है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं खरीदना होता है, जो भी प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं सब यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल को प्रोवाइड करती हैं और स्कूल वाले बच्चों को देते हैं। ये नहीं है कि आपको ये बनाना है, आप जाके खरीद के लेकर आइए फिर हम ढूंढते रहते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बच्चे खुद बनाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और स्कूल में मोस्टली ख़त्म कराया जाता है, मतलब 90% स्कूल में ख़त्म होती है चीज़ें, बाई चांस की बात होती है। मेरा बेटा तो आज तक घर में ख़त्म करने के लिए बहुत ही रेयर ही कभी लाया हो, और मैं शो करूँगी कभी कभी आपको, शो करूँगी उसने क्या क्या बनाया है खुद अकेले से, ये भी एक मेरा वीडियो होगा इस पर, मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे यहाँ पर कितना कुछ सीखते हैं। चलिए मेरी तो थोड़ी वॉक हो गई एटलीस्ट 5 माइल। ये रास्ते में हमारे ना
रास्ते में हमारे बुगाटी एंड बेंटली का शोरूम भी आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। सही गाड़ी है यार, मस्त व्हील ही देखो एकदम। मैं एक चीज और बताती हूँ, देखिए क्रिसमस ट्री है, देखिए जो इतना हरा भरा दिखाई देता है, देखिए मतलब विंटर में भी इसको कुछ नहीं हुआ। बाकी के आजू बाजू के सारे पेड़ देखो किस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल झड़ जाते हैं, लेकिन एक यही है जो इतना ब्यूटीफुल दिखाई देता है। बाकी सारे के सारे झड़ जाते हैं पेड़। तो शायद मेरे ख्याल से क्रिसमस भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्रिसमस में एक यही पेड़ बचता है जो इतना सुंदर दिखाई देता है, बाकी सारे तो उन बेचारों का तो ठंड में बुरा हाल हो जाता है। एक यही है जो इतना खूबसूरत रहता है, स्पेशलिटी है क्रिसमस ट्री स्विट्जरलैंड की, बहुत क्रिसमस ट्री होते हैं यहाँ पर। देखिए मैं आपको इसी एरिया में दिखा देती हूँ, एक उस तरफ है, ये रहा बहुत सारे क्रिसमस ट्री हैं। यहाँ पर जगह जगह पानी के प्याऊ फाउंटेन जिसे कहते हैं ना, वो लगाए जाते हैं और ड्रिंकिंग वाटर होता है वो। तो आप जब भी थक जाओ, मतलब आपको हर 1 किलोमीटर की दूरी पे इस तरह का आपको प्याऊ मिल जाएगा पानी पीने के लिए, बताऊं तो। देखिए जैसे ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हर एक दो किलोमीटर की दूरी पे इस तरह का वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये होता है। देखते हैं आप, ये ट्यूब लगाई हुई है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। तो मैं पी लेती हूँ, मुझे प्यास तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ये ड्रिंकिंग वाटर है, 1956 पे लगाया गया था। देखिए तो ये चीज भी बहुत अच्छी है यहाँ पर कि आपको पानी के लिए परेशान होना नहीं पड़ता। ये छोटे बच्चों का स्कूल है एक्चुअली में, बहुत छोटे बच्चे, किंडरगार्डन है एक्चुअली में। तो चलिए मैं वापस चलती हूँ, तो हम वापस का रुख करते हैं और घर निकलते हैं। यहाँ पे किसी ने वॉल्टल्स टांगी होंगी क्रिसमस के लिए डेकोरेशन, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आई डोंट नो क्यों करी है ये। यहाँ के इस तरह का ना टिपिकल घर होता है, बिल्कुल स्विस हाउस बोलते हैं इनको। तो चलिए मैं अब घर निकलती हूँ, लेकिन घर निकलने से पहले ओ गॉड यार, मेरे हाथ, मैंने पानी पी लिया गलती से, फ्रीज हो गए। ओह शिट, चलिए मैं अब घर निकलती हूँ,
लेकिन निकलने से पहले ये कहूँगी प्लीज अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, बिल्कुल प्लीज़ होगा यार।